है पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसको लॉक कर लेंगे ताकि जो है ना ये मूव ना हो। उसके बाद जो है वो डबल क्लिक कर लीजिए, डिम इमेज कर लें ताकि वर्किंग करने में आसानी रहे। बड़ी इमेज उठाएंगे ताकि जूम इन करके आराम से काम कर सकें। अगर इसी जगह छोटी इमेज उठाएंगे, जूम इन करेंगे, पिक्सलेट हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई ना कि छोटी तस्वीर होगी तो काम करने में मुश्किल होगी। या करके दिखाऊं? ठीक है, बड़ी इमेज कैसे पता चलेगी? ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये इस चीज़ के लिए बेहतर है कि अगर जो है मैं सिमेट्रिकल डिज़ाइन हो। सिमेट्रिकल से मतलब फ्रंट व्यू हो। अगर साइड व्यू होगा तो पूरा ही खुद से बनाना पड़ेगा। मगर स्टार्ट में आप भी कोशिश करें कि ऐसे कोई फ्रंट व्यू मिल जाए ताकि आधा बनाए और आधा मिरर करने में आपको आसानी रहे। तो ये टेक्निक उसके लिए। ये करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करेंगे किसके लिए? रूलर्स के लिए। रूलर से क्या होगा, हमारे पास इस तरह के जो है ना वो लाइंस आ जाएंगी मेजरमेंट के हवाले से। मेजरमेंट तो हमने नहीं करनी, मगर हम लेफ़्ट से क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए एक गाइडलाइन निकालेंगे जो कि कहाँ पे लाके छोड़ेंगे, इसके बिल्कुल उसके सेंटर में। क्लियर? समझ गए ना? राइट या लेफ्ट कोई भी पोर्शन बना सकते हैं आप। बस कोशिश ये कीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली लोग जो है ना वो थोड़े अगर डिटेल करने जाते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे पॉलीगॉन बना देते हैं, और जिनका दिल नहीं चाह रहा होता, अच्छा लगने नहीं रहा होता, वो बड़े बड़े पॉलीगॉन बना देते हैं। हमने दरमियान के पॉलीगॉन बनाने, जैसे किसी जगह से भी स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि आपकी एज जो है वो इसके आगे नहीं जानी चाहिए। अगर मैं इस साइड वाला बना रहा हूँ तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए। भले वो ट्राइंगल जो बनेगा वो ऐसे वाला ट्राइंगल हो, ठीक है, या फिर ट्राइंगल जो है वो इस तरह बने, दोनों सूरतों में क्या होगा, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, ये देखें इसकी लाइन बड़ा, इसके बैक पोर्शन यहाँ से मिल रहा है और ये इसकी जो है टिप यहाँ से मिल रही है, मगर आगे नहीं जा रहा। ठीक है ना, क्योंकि आगे जब हम इसको मिरर करवाएंगे और लाइन यहाँ से आगे जा रही होगी तो वो मिरर प्रॉपर नहीं होगा, इसको सीधी लाइन में रहना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि जब हम कुछ बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब इस जगह से मैं शुरू कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा माउस गलती से जो है ना वो इसके डॉट पे लग जाए, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाए। तो इसका एक अच्छा तरीका आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे, जर्नल में आ जाएंगे, कंट्रोल के प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आके यहाँ से चेक लगा देंगे किस पे, डिसेबल ऑटो डिलीट ऐड डिलीट। ठीक है, कि आपके पास अब ये पेन टूल खाली जो है ना वो इस तरह काम नहीं करेगा कि इसी वाले टूल से पॉइंट ऐड भी हो जाएगा, इसी से सबट्रैक भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऐड नहीं करवा सकता, सबट्रैक नहीं करवा सकता, कुछ भी नहीं होगा इससे, मगर ये वाले टूल से हो सकता है। जो टूल इसके लिए बने उससे तो काम करेगा, मगर ऑटोमेटिकली ये वाला टूल काम नहीं करेगा, यानी एक टूल इन सब चीज़ों का एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपके लिए आसानी है। अब आपने क्या करना है कि इसकी ऐसे ही शुरू कर लेंगे दूसरा पॉलीगॉन, वो आपने यहाँ से बना लिया, यहाँ से यहाँ तक गए, और ज़रूरी नहीं कि पूरे ही शेप बनाए, यहाँ से आके आपने इतना छोड़ दिया, वापस लिया है इसमें, फिर तीसरा आपने यहाँ से शुरू कर दिया, अब यहाँ से आ गए और ये बना दिया। ये क्या हुआ, ये वाला पीस हमारे पास बन गया, मगर सब एक ही कलर नज़र आ रहा है। कलर में वेरिएशन किस तरह आएगा, कलर में वेरिएशन इस तरह आएगा कि आपने क्या करना है कि एक पीस सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट किया, कलर क्लिक कर दिया, दूसरा पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना ज़रूरी है, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट कर लिया,
अब चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी क्योंकि एक ही जैसे स्किन टोन है, मगर फिर भी शायद थोड़ा बहुत आपको फील हो ही जाएगा। आई ड्रॉपर कलर पिक कर लें, बेसिक आइडिया यही है। ठीक है जी, तो हमने क्या कर लिया कि अब आपको थोड़ा सा शायद फील हो रहा हो यहाँ पे कलर में हल्का हल्का डिफरेंस आ रहा है, हल्की सी लाइन भी रह गई है, इसको हम बाद में देख सकते हैं और जब बना रहे हैं तभी भी किया जा सकता है काम इस पर। ठीक है, बाद में किस तरह होगा कि हम एक पूरा बड़ा सा शेप बनाएंगे और उसके पीछे रख देंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी, मगर वो मैं बता दूंगा, वो मसला नहीं है। अगर लाइन आपके गैप रह भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो सही हो जाएगा बाद में। सही है, जनरली इतने ही बड़े पॉलीगॉन बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, इससे बड़ा बनाएंगे तो बहुत बड़ा पीस आ जाएगा, छोटे बनाएंगे बिल्कुल जूम इन करके बनाना शुरू कर देंगे, जैसे आई बनाते हैं, अब वो आई में क्या होता है इतना डिटेल में चला जाता है, बड़ी तस्वीर होती है ना पता नहीं चलता, तो फिर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा कि इतना जूम इन किया यहाँ से ये बना लिया, फिर उसके बाद डिसेबल तो हुआ वही है, यहाँ से आपने कुछ और एक पीस बना लिया यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर ख़त्म करें। अब लगता तो आसान है कि हाँ जी ये तो ये बन गया ट्रायंगल, दोबारा से देखें ये बन गया ना, मैंने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद ये ठीक है छोड़ दिया, अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये लाइन यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो क्या घूम गया, गोल घूम गया, गड़बड़ हो रही है, सही नहीं बन रहा। ठीक है, ये सब मिक्सअप हो गया है, ये सब एक ही कलर बन जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, ये देखें अजीब सी लाइन बन गई, ऐसा क्यों हुआ था, दोबारा देखिए क्या गलती की थी मैंने, कि कहाँ से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, अगर इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो यहीं पर ख़त्म भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ले आया, अब देख के तो हमें लग रहा है कि ये ट्राइंगल पूरा बन गया, मगर बना नहीं, क्योंकि तीन पॉइंट है ना, आपको तो वापस यहाँ पे लाके ख़त्म करना है, हमने बजाय यहाँ ख़त्म करने के हम ऊपर चले गए यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ कहीं घुमा दिया, तो वो क्या हुआ, कुछ अजीब हो गया, कुछ पता नहीं चला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। करना आपको ये है कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ख़त्म भी यहीं पे ले आके करें, ठीक है, फिर दूसरा पीस बना लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म करें, ज़ीरो बना हुआ आ जाएगा, उससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा तो नहीं चले गए। कोई ऑर्डर नहीं है कि जो है वो यहाँ पे आपको इतना ही बनाना है, कोई भी शेप बना सकते हैं, बस इसी तरह का शेप होना चाहिए। ठीक है, अब बनाते हुए एक दूसरी जो गलती होती है वो ये कि अब आप यहीं पे चले गए, बनाए जा रहे हैं छोटे से छोटा शेप बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं मगर बना रहे हैं बहुत छोटा शेप, तो इशू ये आएगा कि जब आप जूम आउट करेंगे तो ये तो इवन आपको नज़र भी नहीं आएगा, ये अभी भी हम 400% पे देख रहे हैं, ये 100% है, ये 100% क्या पता चला, फजूल में टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ये दो गलतियाँ होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं, आपको करना ये है कि आइज़ को आइज़ के बराबर ही टाइम देना, ठीक है थोड़ा टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा मगर इतना इतना करीब करीब बनाने की ज़रूरत नहीं, ये देखें ये वाला कितना हिस्सा है, ये इतना आइज़ के अंदर भी छोटा हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये इतने ट्रायंगल पे काम चल जाना चाहिए, इतने बड़े पीसीस पे। ठीक है, थोड़ा आइज़ को ख्याल ज़्यादा रखेंगे मगर फिर भी बहुत छोटे पीस नहीं बनाएंगे। ये इसका अंदर वाला हिस्सा बन गया, इसमें हम कलर किस तरह करेंगे, कलर इस तरह करेंगे कि एक पीस सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दिया,
बिल्कुल, जब भी तो वो लुक आएगा। ये आइस के दरमियान वाला हिस्सा है, फिर उसके बाद आपको आइस का ये बड़ा वाला हिस्सा बनाना है। इसमें दो तीन चीज़ें आपकी सहूलत के लिए, वो ये है कि जैसे आपको नज़र नहीं आ रहा ना आप क्या कर रहे हैं, तो इसके तरीका ये है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करके फिल कलर को ख़त्म कर दें और आउटलाइन कलर को कोई सा भी कोई भी एक कलर कर दें जो आप जिससे आप देख सकें। मगर ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 0.1 कर देंगे। 0.1 करने से क्या होगा, लाइन बारीक सी हो जाएगी, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपको काम करने में आसान रहे। बहुत छोटे पॉलीगॉन नहीं बनाइएगा, थोड़े बड़े बड़े पॉलीगॉन ही हो, मगर इतने बड़े ना हो जाएं कि बस वो पूरा ब्लॉक एक ही साथ ख़त्म हो जाए। एक कलर थोड़ी करना, नहीं समझी, जो भी आप फिल कलर लेंगे एक कलर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ठीक है ना, अब वो हर दफ़ा वही येलो कलर ही दे रहा होगा, ठीक है। वैसे ग्राफिक्स में कोई एक रूल होता भी नहीं है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से एक काम कर सकते हैं। बस रेजोल्यूशन हाई करके जो है ना वो इमेज उठाइएगा, वरना प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा डिटेलिंग का कि क्या हुआ। अब देखिए, एक मैंने जानबूझ के इसमें छोड़ दिया, आपको तो लग नहीं रहा, पता नहीं चल रहा होगा, मगर एक पॉइंट जो है ना वो छूट गया। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि कुछ अगर चेंजेस कर सकते हैं कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखें जगह खाली है, मगर मैं क्या करूँगा कि एक एक को सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर से आके क्लिक कर लूँगा, तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्या ख्याल है? जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, फिर अब इस पर आगे क्लिक करूँ, ठीक है, टाइम बहुत लगेगा। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आपने ये आपने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के रखा, जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे आई ड्रॉपर टूल से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कौन से टूल में, सिलेक्शन टूल में। तो दबा के रखेंगे कंट्रोल और दूसरा पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे, फिर कंट्रोल छोड़ देंगे, नहीं समझे? आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है? ओके मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कलर पिक कर लिया, अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, क्या करूँ मैं, इस वाले टूल पे क्लिक करूँ, ऐसे ही होगा ना, फिर यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, फिर आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, फिर इसको क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे करा, टाइम बहुत लग रहा है, क्या ख्याल है? इसके बजाय अगर मैं ये कर लूँ कि ये टूल सिलेक्ट रहने दूँ, सिर्फ कंट्रोल दबा देता हूँ, ये वाला सिलेक्ट किया, छोड़ा, आई ड्रॉपर पिक कर लिया, टूल ये सिलेक्ट है, टूल बार बार मैं चेंज नहीं कर रहा, टूल एक ही दफ़ा ये वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, कंट्रोल दबा के बस आपने जूम इन कर लूँ मैं ज़रा, कंट्रोल दबा के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कलर पिक किया, कंट्रोल दोबारा दबाया, ये सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, क्लिक कर दिया,
आप समझे, बस कंट्रोल दबा के आपको ऑब्जेक्ट पिक करना है और फिर छोड़ के कलर फिल कर देना है। हाँ कंट्रोल दबाएंगे तो आई ड्रॉपर टूल कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें सिलेक्शन में। सिलेक्शन का काम क्या है, सिलेक्शन का काम ये है कि सिलेक्ट कर लेगा, छोड़ेंगे आई ड्रॉपर बन गया, कलर पिक कर लिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो काम किया उसमें दो तीन जगहों से पॉलीगॉन जो है ना वो बच गए, ठीक है ना, जो बच गए हैं वो आपने खुद बना देने बाद में। ये अभी क्या बन रहा है, ये जो आप बना रहे हैं सिर्फ आई बॉल बन रही है, यानी कि सिर्फ आईज बन रही है। क्या हो गया लाइव? नहीं नहीं एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में, इसमें इलस्ट्रेटर में एनिमेशन कहाँ होती है? स्टिल होंगे, तस्वीर कोर्स में होगा मगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा। सेमेस्टर वाइज है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ स्टिल, सेकंड में सब कुछ एनिमेशन। ओके ये इतनी देर में ये बना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए इतनी डिटेल में काम करने से क्या हुआ, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक। तो इससे बड़े पॉलीगॉन बना लें, इतने पॉलीगॉन बना लें कि आपका काम जो है वो चलता रहे, और बार बार इसको जो है वो आप क्या करेंगे 100% पे ला के देखेंगे। 100% पे ला के देखने से क्या होगा कि आपको एक्चुअल पता चलता रहेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं एक पॉलीगॉन यहाँ पे बनाऊँ इसके फोरहेड के लिए या बाकी किसी जगह के लिए, तो या ये मैंने बनाया हुआ भी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला देख रहे हैं पॉलीगॉन कितना बड़ा है, ये पॉलीगॉन कितना बड़ा है। इसके हिसाब से अगर एक पॉलीगॉन मैं ख़ुद बनाऊँ, पॉलीगॉन से मतलब एक ट्राइंगल ख़ुद बनाऊँ, तो वो इतना बनेगा। अब इससे अपनी आईज के पॉलीगॉन को कंपेयर कर लें, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉलीगॉन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही बनाइएगा जितने पे आपको नज़र आना है, मगर आईज पे बहरहाल डिटेल थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको ताकि वो लुक उससे डेवलप हो, सही। अच्छा जी देखें ये वाली इमेज है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आप लोगों के साथ हो रही है अक्सर कि दरमियान में गैप्स हैं खाली, मगर अगर हम इसको देखें तो बना हुआ ठीक है। बना हुआ ठीक से मतलब ये है कि देखें आईज पे छोटे छोटे पॉलीगॉन्स इन्होंने बनाए, छोटे पॉलीगॉन बनाना तो ठीक है एक स्किल है अपनी जगह पे, वो तो आपने देखा था कि छोटे पॉलीगॉन बना सकते हैं, मगर कलर की जो सिलेक्शन है ना, कलर जो चूज़ करना है ख़ुद से, वो एक थोड़ा प्रैक्टिस से जो है ना वो आपको आएगा। इसको अगर हम नोट करें तो देखें कोई ऐसा कलर एकदम से नहीं है कि एकदम से यहाँ पे एक कलर आ रहा है और यहाँ पे एकदम रेड कलर आ गया, ठीक है, एकदम बहुत हाई वेरिएशन नहीं, अनलेस
कि यहाँ पे आपको शाइन ना देनी हो जिसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि आईज के ऊपर हल्की सी शाइन आ रही है। और जब आप काम कर रहे हो तो मैंने शुरू में बताया था कि ऐसा ना हो जाए कि आप काम करते करते छोटे से छोटा पॉलीगन बना दें और फिर वो मुश्किल बन जाए, ठीक है। तो ये बातें, इसके बाद ये देखें कि ओवरऑल भी दो तीन टोन में आपको जहन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नाक के ऊपर शाइन आ रही है और यहाँ पे इस तरफ जो है वो क्या हो रहा है, थोड़े शेडोज़ आ रहे हैं। इसी तरह लिप्स भी देखें कि जो है वो फील हो रहा है कि अलग से जो है वो बना हुआ है, यानी शेड्स, कलर के शेड जो है ना वो प्रॉपर आ रहे हैं। इसके बाद जो है वो फोरहेड का कलर वगैरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तरीका तो आपने देखा ही है, क्या 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 कर सकते हैं हम, कि एक नई लेयर बनाई जो कि इसके नीचे टोटल कितनी लेयर हो गई, एक लेयर तो आपकी ये इमेज वाली हो गई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सबसे टॉप पे जो है वो कौन सी लेयर हो गई, वाई लेयर हो गई। इसके नीचे कौन सी लेयर है, ब्लैंक लेयर है, इस पर हमें काम करना है। ऊपर वाली लेयर को लॉक कर दिया हमने ताकि गलती से कुछ सिलेक्ट ना कर लें। तो ये तरीका तो आपको पता ही है, देख भी चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि एक ही कलर आता है, जैसे अगर मैं एक कलर पूरा ऐसे करके बना दूं बड़े पैच पे तो क्या होगा, एक ही कलर आएगा, चाहे वो कलर यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, किसी जगह पे तो वो ठीक हो जाएगा और किसी जगह पे जो है वो क्या होगा कि लाइन में दूसरा कलर की टोन आ रही होगी, या तो फिर आप छोटे छोटे पैचेस बनाएं, एक टाइम टेकन प्रोसेस है। दोनों किए जा सकते हैं, एक तरीका ये है, ये भी किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे कौन से वाले टूल से, इसका नाम है लासो टूल। लासो टूल किस तरह काम करता है, कंट्रोल वाई में प्रेस कर रहा हूँ किसके लिए, ताकि मुझे आउटलाइन नज़र आती रहे, ठीक है ना। और मैं क्या कर सकूँ कि इसको सिलेक्ट कर सकूँ, जैसे मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कौन सा टूल मैंने सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है, पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब या तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल वाई प्रेस करूँ दोबारा से और फिर इसको यहाँ से इस तरह अरेंज करूँ और फिर इसको अरेंज करूँ, टाइम बहुत लगेगा। तो हम ये करते हैं कि कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं और कंट्रोल वाई प्रेस करने के बाद ऐसे करके मैं सिलेक्ट करूँगा तो कितने पॉलीगॉन, कितने पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे, दोनों या जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये किससे मैं कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, इससे कर सकते हैं। एक और तरीका जो है वो क्या है, लासो टूल। लासो टूल से क्या होता है, आसान इस तरह हो जाता है कि आपने यूं करके गोल सिलेक्शन बना दी, इससे सिलेक्शन बन रही है स्क्वायर। कभी कभार अगर जैसे अगर हम आईज के हिस्से में काम कर रहे हैं और हमने यूं करके सिलेक्शन बनाई तो वो पॉसिबल है कि कोई और लाइन इधर उधर हिल जाए, कुछ और सिलेक्शन बन जाए, मगर इससे आसानी ये है कि बस आपने यूं करके सिलेक्ट किया, ये सारे पॉइंट जो है ना सारे सिलेक्ट हो गए एक साथ। देखिए मैं यहाँ पे आके इन सब को एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, ये क्या है, कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको होल नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में आते हैं और यूज़ करते हैं एवरेज। एवरेज क्या करता है कि जो सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उनको एक जगह पे लाके मर्ज कर देता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों ये सब कंबाइन हो गए एक जगह पे, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, खैर यहाँ पे तो हमें करना ही पड़ेगा, इस रीज़न उसका ये है कि यहाँ तो हमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको सही करने का तरीका ये है कि यहाँ बीच में कोई पॉइंट नहीं ना एक्चुअली, इस वजह से सही करना पड़ेगा। एक नया पॉइंट हमने ऐड किया, एक पॉइंट लगाया यहाँ पे। पॉइंट लगाने के बाद चाहे इस वाले टूल से चाहे जो है वो लासो टूल से, ऐसे करके आपने सिलेक्शन बनाई, ये तीन पॉइंट और प्लस ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके एवरेज शॉर्टकट की क्या है, ऑल्टर कंट्रोल जे क्लिक किया, ओके किया, ये सारे पॉइंट कंबाइंड हो गए, ठीक है। सारा सिलेक्ट किया, ऑल्टर कंट्रोल जे, जे बहुत दूर है यार, ठीक है। इस तरह करके जहाँ जहाँ आपको नज़र आता रहे वहाँ वहाँ पे समझ गए,
समझ गए हैं, सिर्फ एक एक से पूछ रहा हूँ मैं, बाकी लोगों के नहीं समझ में आया। आइए आगे बढ़ें, मगर ज़रा चालाकी का मुजाहरा ना कीजिएगा कि यूं करके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना? तो मुझे अंदाज़ा है कुछ लोग ऐसा करने के सोचेंगे, यार मैं बार बार क्यों करूं, पूरा सारा सेलेक्ट करके एक साथ ही ज्वाइन कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा एक ही पॉइंट पे आके। तो आपको सिर्फ कॉर्नर्स ही ज्वाइन करना है, इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, तो वही जगह पे कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि खाली पॉइंट ही ज्वाइन हो रहे हैं, हालांकि ये सब देखें क्या अलग अलग हैं, ठीक है? ये नहीं हो रहा कि ग्रुप हो गया, कुछ हो गया इस तरह, वो सिर्फ उन पॉइंट्स को उठा उठा के दरमियान में ला के रख देता है। जब आप हाफ बनाएंगे तो हाफ बनाते वक्त ही इन सारे पॉइंट्स को सही कर लेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि व्यू के अंदर आपके पास स्नैप टू पॉइंट पे चेक लगा हुआ हो, जब आप काम करो, मोस्टली लगा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है। स्नैप टू पॉइंट में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं, वो स्नैप हो जाता है, मतलब देखें मैं यहाँ पे इसको कहीं पे रखूँगा करीब में, तो वो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको इसके करीब लेके आऊँगा, ये ऑटोमेटिकली देखें यहाँ से मैग्नेट की तरह यहाँ से चिपक जाता है, ठीक है? ये इसका नाम है स्नैपिंग, स्नैप टू पॉइंट। अगर स्नैप टू पॉइंट ना लगा हुआ हो तो ये बिल्कुल फ्री रहे, मतलब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसके ऊपर ही ला के ये मैं ज़रा और जूम कर लूँ, शायद आप देख सकें। ये नज़र आ रहा है आपको? शायद मुश्किल ही से हो, मगर ये फील करना पड़ेगा आपको। जैसे ही करीब लाते हैं ना इसके, ये क्या करता है, ये पॉइंट बना के इसके साथ क्लोज़ कर देता है इसके, इस पता चल जाता है कि हम दूसरा पॉइंट आ गया है, इसके साथ मिल गया। अगर यहाँ से आप स्नैप टू पॉइंट हटा देंगे, फिर ये है कि वो वाली स्नैपिंग नहीं रहेगी, यानी कि वो मैग्नेट की तरह जो है ना काम नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, स्नैप टू ग्रिड, इसे शायद थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए आपको। स्नैप टू ग्रिड क्या होती है कि हमारे पास इलस्ट्रेटर में एक ग्रिड लाइन भी होती है। ग्रिड लाइन कहाँ से मिलेगी आपको, व्यू में जाके शो ग्रिड, शो ग्रिड जिस तरह ग्राफ पेपर होता है ना, इस तरह का पेपर होता है। अब जैसे अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये देखें कहाँ पर एडजस्ट हो गया, ये नीचे वाले पॉइंट पर, यहाँ वाले पर, जिस पॉइंट पर भी रखेंगे वो उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ठीक है? इससे ड्रॉ करने में कभी कभार आसानी होती है, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कोई कस्टम शेप बना रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मगर अगर कोई स्क्वायरिश शेप बना रहे हैं, ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने पॉइंट पे क्लिक किया, अब अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट इसके मिड में लगेगा। ये बारीक सी लाइन है, आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे शायद नज़र आ जाए। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, पॉइंट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। तो बाद वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर आपके पास स्क्वायरिश डिज़ाइन हो तो आसान है कि भाई मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूँगा, मुझे पता है कि पॉइंट कहाँ लगना है, ठीक है? ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि सीधा ड्राइंग हो रही है या नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ग्रिड के हिसाब से बना लेगा। व्यू में जाके शो ग्रिड है, शो ग्रिड हुई हुई है तो हाइड ग्रिड है, व्यू में जाके ही स्नैप टू ग्रिड है, और व्यू में जाके ही आपको स्नैप टू पॉइंट है, ठीक है? मगर स्नैप टू पॉइंट करने के बावजूद भी यहाँ पे गैप आ जाते हैं, उनका तरीका मैंने आपको बता दिया कि उन सबको सेलेक्ट करेंगे और एवरेज कर देंगे उसको, समझ गए? ठीक है,